नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित डेरा और आप सभी का टेक एरा फॉर यू में स्वागत है। और जैसे कि आपने आजकल लीक्स में देख ही लिया होगा, मोटो जी प्ले के मोटो जेड प्ले के बारे में आप कुछ नई पिक्चर्स लीक हुई है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये सेम इसमें आपको जो ये पोर्ट मिल जाता है मोटो मॉड्स के लिए, अलग से इसमें पोर्ट मिल जाता है बैक की तरफ। जैसे आपने इसके ऑलरेडी जो अभी न्यू मोटो जेड के लिए फोन जो लॉन्च हुए हैं मोटो जी सीरीज के, मोटो मॉड्स इसमें अवेलेबल है, जैसे कि JBL का स्पीकर और प्रोजेक्टर्स वगैरह अलग अलग लग सकते हैं, बस उसी तरह का इसमें आपको पोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो लीक्स आए हैं उसके मुताबिक जो फीचर्स मिलेंगे और स्पेसिफिकेशन मिलेगा उसमें आपको मिल जाएगा 5.5 इंच का डिस्प्ले, HD डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 625 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, एड्रिनो 500X का GPU, 16GB की इंटरनल स्टोरेज, 2GB की रैम के साथ, 32GB का स्टोरेज, 3GB की रैम के साथ, और 3300mAh की बैटरी या फिर 3500mAh की बैटरी आपको देखने को मिल सकती है। और ये एक लीक है, इसके बारे में आप इंटरनेट पर और भी सर्च कर सकते हैं। और अगली खबर है एप्पल के लीक के बारे में, एप्पल iPhone 7, या इसकी लीक्स आते ही रहते हैं, हमेशा आते ही रहते हैं। तो एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक नई इमेज लीक हुई है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका बैक साइड और फ्रंट साइड ये वर्किंग कंडीशन में शायद से फोन, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगली खबर है अमेजोन ने एक नया प्रोडक्ट नहीं, एक सर्विस है उसकी, अमेजोन वन, जैसे कि आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अगर इसके बारे में और जानना हो तो वीडियो देखना हो तो आप उस लिंक पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अमेजोन वन एक कस्टमर्स के लिए शायद से अमेजोन ने इंट्रोड्यूस कराया है, ये एक कार्गो प्लेन है अमेजोन प्राइम, अमेजोन एयर जैसे कि इस पर लिखा हुआ है। ये एक अमेजोन वन अपनी एक नई कार्गो प्लेन इंट्रोड्यूस किया है अमेजोन ने। और अगली खबर है एसुस की, जो एसुस जेनफोन लवर्स और जेनफोन का वेट कर रहे हैं, जेनफोन 3 का अब इंडिया में लॉन्च होने ही वाला है कुछ ही दिनों में, जेनफोन 3 एसुस जेनवोल्यूशन का, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एवोल्यूशन इज गुड, एवोल्यूशन सिग्निफाइज चेंज, एवोल्यूशन क्रिएट्स अ बेटर वर्ल्ड, जैसे कि आप इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं। हो सकता है अमेजोन ये जेनफोन एसुस अपना जेनफोन 3 इंडिया में 17 अगस्त को लॉन्च कर सकता है, और हो सकता है इसका इवेंट दिल्ली में होने की संभावना है। और अगली खबर है HTC की, अगर आप VR यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। HTC ने अनाउंस किया है वाइव पोर्ट VR ऐप स्टोर, जिसमें आप अलग अलग तरह की जो VR कंटेंट है उसको आप देख सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा VR कंटेंट का, और जो अलग अलग फीचर्स है वो सब आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा वाइव पोर्ट पे, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये अभी अनाउंस किया गया है, इसका लॉन्च तो अभी फाइनली पता नहीं है, और बीटा टेस्टर के लिए जल्द ही है डेवलपर्स के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। और अगली खबर जो आ रही है माइक्रोमैक्स की, माइक्रोमैक्स ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है यूनाइट 4 प्लस, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको मिल जाती है 7999 रुपये में। इसमें आपको इंडस OS 2.0 देखने को मिल जाएगा, और एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो आपको इसमें मिल जाएगा, ड्यूअल सिम मिलेगी, और 5 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा, 1 GHz का क्वाडकोर मीडियाटेक का 6735 चिपसेट का प्रोसेसर मिलेगा, 2GB की रैम आपको इसमें मिल जाएगी। और इसमें आपको कैमरा मिलता है सेल्फी के, फ्रंट फेसिंग जो कैमरा मिलता है फिक्स फोकस के साथ मिलेगा 5 MP का, 8 MP का रियर ऑटो फोकस के साथ मिल जाएगा, और 16GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी जिसे कि आप 64GB तक बढ़ा सकते हैं। अगली खबर है नेक्सस की, नेक्सस का जो फ़ोन है वो उसकी भी कुछ लीक्स आ रही है, कि जैसे कि जो उसका होम बटन है वो हो सकता है एनिमेटेड हो, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं अभी। और इसकी अगली खबर है Lava X38, लावा ने अपना नया एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, जिसमें वीवो एल टी जो भी आपको बोल सकते हो 4G के साथ सपोर्ट के साथ एंड्रॉयड 6.0 पे चलने वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, जिसकी कीमत है लगभग 7,399 रुपए की। और ये अभी अगर आप इसको देख सकते हो फ्लिपकार्ट पे भी लिस्टेड हो चुका है, 6,600 या 6,900 के लगभग की कीमत पे लिस्ट हो चुका है शायद से फ्लिपकार्ट पे। इसमें आपका एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो मिल जाएगा, 5 इंच का HD डिस्प्ले मिलेगा, 1 GHz का क्वाडकोर प्रोसेसर मिल जाएगा, 1GB की रैम और 8GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, 4G सपोर्ट रहेगा, 8 MP का रियर कैमरा, 2 MP का फ्रंट कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगली हम बात करें खबर की, तो सैमसंग का गैलेक्सी नोट 7 का जो वेरिएंट है नोट 7, जैसे कि आपको पता है 4GB रैम के साथ लॉन्च करा गया है, तो इससे एक
एक लीक आया है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, टीना से एक लीक इमेज आई है कि 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये टिप हुआ है, मतलब कि इसकी इमेज सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ हुआ है तो इसकी लीक है। और डील अलर्ट आज की हम बात करें तो कल से यानी 8 तारीख से अमेजोन प्राइम अमेजोन की जो सेल है वो शुरू होने जा रही है। आपने अगर अभी तक अमेजोन प्राइम पर रजिस्टर नहीं किया है तो आप जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए, 60 दिन का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अमेजोन प्राइम की, जिससे कि आप इजीली आधे घंटे पहले ही डील्स को एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ सुमित डेरा, टेक केयर फॉर यू सर।